हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है आईआरसीसी के एक मेजर अपडेट के बारे में जो मैं डिस्कस करूंगा। दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड क्रिस्प। छोटा सा वीडियो होने वाला, फटाफट कंप्लीट कर देंगे। एंड गाइस, जो मेजर अपडेट है दैट इज अबाउट सुपर वीजा। जिनको सुपर वीजा के बारे में नहीं पता गाइस, वो फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग सुपर वीजा के बारे में जानेंगे, नॉलेज लेंगे। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मेजर अपडेट विच इज अगेन रिगार्डिंग सुपर वीजा एज वेल। एंड ये अपडेट गाइस सोनली आपके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अवेयर अबाउट दिस अपडेट, बिकॉज जो प्रोसेसिंग होगा, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप ही अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स को प्रोवाइड करोगे इन ऑर्डर टू स्टे विद देम हियर इन कनाडा, इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम टू कनाडा एंड एक्सप्लोर कनाडा विद देम, विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, विद योर ग्रैंडपेरेंट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड विदाउट स्किपिंग एट ऑल। एंड अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज़ दैट्स माय ओनली मोटिवेशन गाइस। एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज एक्चुअली सुपर वीजा। सुपर वीजा इज अ काइंड ऑफ वीजा गाइस जिसके थ्रू आप अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा ला सकते हो इंडिया से और एनी अदर कंट्री विद द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। जो आपको इंडिया भेजना पड़ेगा, आप प्रोसेस करोगे सारे कुछ, आप एक कंसल्टेंट पे हायर कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल वीजा, बट दिस इज सुपर वीजा जिसके थ्रू आप अपने पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा ला सकते हो, रह सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो उनके साथ कनाडा को। एंड ये जो आप पेरेंट्स को ला रहे हो उन्हें कनाडा, इसके लिए एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दिया। यू कैन ब्रिंग योर पेरेंट्स फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, फिक्स ड्यूरेशन, एंड दैट इज 2 years। एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली कैन कम टू कनाडा बेस ऑन द बेसिस ऑफ सुपर वीजा एंड दे कैन स्टे विद यू, एक्सप्लोर विद यू, लिव विद यू हियर इन कनाडा फॉर 2 long years। ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट विच आईआरसीसी हैज रिसेंटली पोस्टेड ऑन द पोर्टल। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, आपको ये फोटो स्क्रीन पे दिख जाएगा, यू फॉलो इट गाइस, आई विल रीड यू फ्रॉम हियर। द फर्स्ट पॉइंट विच आईआरसीसी इज सेइंग दैट दिस रूल, ऑल द लॉज हियर आर इफेक्टिव फ्रॉम July 4, 2022। अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है, July 4 से हो जाएगा। एंड द फर्स्ट पॉइंट विच आईआरसीसी इज सेइंग इज दैट द लेंथ ऑफ स्टे फॉर सुपर वीजा होल्डर्स विल बी इंक्रीज टू 5 years पर एंट्री इन टू कैनेडा। हर एक पर्सन, हर एक फैमिली मेंबर, लेट्स से योर डैड, योर मॉम, योर ग्रैंड फादर, योर ग्रैंड मदर, जो भी आप कैनेडा आ रहे हैं, आप बुला रहे हो उनको, दे कैन स्टे फॉर 5 consecutive years इन कैनेडा विथ यू एंड एक्सप्लोर विथ यू। गाइस, पहले 2 साल के लिए रह सकते थे, अभी 5 साल के लिए रह सकते हैं। द ड्यूरेशन हैज बीन एक्सटेंडेड एंड दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम July 4। दिस इज द नंबर वन अपडेट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट आईसीसी हैज रिसेंटली पोस्टेड ऑन देयर पोर्टल। कमिंग टू द सेकंड वन गाइस, पीपल हु करंटली हैव अ सुपर वीजा, जिनके पास अभी सुपर वीजा है, ऑल्सो हैव द ओपिनियन टू रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड देयर स्टे। वो भी अपना स्टे को एक्सटेंड करा सकते हैं एंड ये स्टे को एक्सटेंड कराने का उनके पास ऑप्शन है फॉर अप टू 2 years। वो अपने स्टे को 2 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं एंड दे कैन एक्चुअली लिव विद यू, विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर डॉटर फॉर 7 consecutive years इन कनाडा गाइस। द फर्स्ट अपडेट इज 5 साल के लिए स्टे कर दिया है आईआरसीसी ने, दिस इज द मेजर अपडेट। सेकंड इज, जिनके पास अभी सुपर वीजा है, वो द सुपर वीजा होल्डर्स, दे कैन ऑल्सो एक्सटेंड देयर स्टे एंड कैन लिव 5+2, 7 years हियर इन कनाडा विद देयर चिल्ड्रन एंड विद देयर डॉटर। एंड द फाइनल पॉइंट गाइस, विच इज द थर्ड मेजर अपडेट, इट सेज दैट द कनाडाज इमिग्रेशन मिनिस्टर विल हैव द अथॉरिटी टू डेजिग्नेट इंटरनेशनल medical insurance companies to provide coverage to super visa applicants in the future guys। तो इसका मतलब है government cares about your family guys, ठीक है। एंड मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे है guys, जो जिनके फैमिली इंडिया में है, जिनका PR यहाँ पे हो गया, तो मोस्टली हाई चांसेस देयर पेरेंट्स विल बी एजेड, देयर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी एजेड, तो वो जब ट्रैवल करेंगे उनको इंश्योर रहना बहुत जरूरी है। वो जब यहाँ पे रहेंगे आपके साथ, उनको इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कनाडाज इमिग्रेशन मिनिस्टर हैज डिसाइडेड डेजिग्नेट फ्यू कंपनीज, वो एलोकेट कर देंगे कुछ कंपनी को टू प्रोवाइड इंश्योरेंस, इंटरनेशनल इंश्योरेंस टू योर फैमिली, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर ग्रैंड पेरेंट्स, वाइल यू कॉल देम हियर इन कनाडा। ट्रैवल इंश्योरेंस भी होगा, यहाँ पे रहने का इंश्योरेंस भी होगा, तो दे विल बी सिक्योर्ड हेल्थ वाइज। सो दिस वॉज द मेजर अपडेट गाइज, यही बताना था। 3 major updates आई हैव सेड यू, हैव शोड यू द प्रूफ एज वेल। एंड गाइज, ये लास्ट में बताना चाहूंगा वीडियो में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो यार, दे आर गेटिंग एजेड, उनको भी कनाडा आना है, बिकॉज एक्सप्लोरिंग अलोन, एक्सप्लोरिंग विदाउट योर फैमिली इज नथिंग गाइज। उनको लाओ, उनके साथ रहो एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी, मोर देन प्राउड कि उनका बेटा या बेटी उनको बुला रहे हैं कनाडा, साथ में रख रहे हैं, दे कैन लिव विथ यू फॉर 5 years गाइज, इट्स रियलिटी नाउ। तो जब भी ये रूल इफेक्टिव हो जाएगा फ्रॉम July 4, 2022, मेक श्योर यू फाइल देयर सुपर वीजा एंड ब्रिंग दम, बिकॉज प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। एंड दिस वीजा, माइंड यू, नो दिस पॉइंट, दिस वीजा इज वैलिड फॉर 10 years गाइस, तो चिंता करने का कोई इशू नहीं। वीजा फटाफट लगा दो, 2 साल बाद आने दो उनको, 3 साल बाद आने दो, 1 साल बाद आने दो, बट वीजा उनके पास होना चाहिए। दिस इज मेजर अपडेट गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करो, पेरेंट्स को खुश करो गाइस, ग्रैंड पेरेंट्स को खुश करो, उनको भी होप दो कि दे कैन कम, दे कैन एक्सप्लोर दिस यूरोपियन कंट्री और लेट्स नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, आई एम सॉरी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, एंड लिव इन दिस कल्चर, बिकॉज उनका सपना छोटा सा ही होता है कि उनके अपने बच्चों के साथ रहना है, एक्सप्लोर करना है, बच्चे उनको घुमा दे थोड़ा, उनको थोड़ा थोड़ा या छोटे मोटे चीज़ों से अपने पेरेंट्स खुश हो जाते हैं गाइस। मेक श्योर यू कंप्लीट देयर ड्रीम्स बिकॉज दे हैव गिवन यू बर्थ एंड यू आर हियर बिकॉज ऑफ देम गाइस। सो मेक श्योर
to like this video and share this video. And guys, if you are new to the channel, subscribe karke jana, because aise videos aate rehte hain. And till then, stay awesome, stay sexy, even stay healthy, guys. I'll see you in the next one.